भारतीय राजनीति में पिछले 70 साल से जो एक परिवार की विरासत चलती आ रही थी, पिछले 6 साल से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने सब बदल कर रख दिया। लेकिन उनके इस बदलाव की वजह से कुछ लोगों की जेबें भरनी रुक गईं, कुछ लोगों का देश विरोधी अभियान रुक गया और कुछ लोगों की सालों से चलती आ रही सल्तनत उलट गई। इसलिए आज हम जानेंगे कि आखिर देश के ये सेक्युलर लिबरल विपक्षी नेता मोदी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की कमान संभालते ही दशकों से चली आ रही परिवारवाद की राजनीति का अंत हुआ। देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने, तो आज़ादी के बाद से लेकर 2014 तक कांग्रेस का भारत पर एक छत्र राज रहा। पहले पिता, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर बहू, उसके बाद अब पोता। भारत की सत्ता एक ही परिवार की जागीर बनकर रह गई थी। इसका असर देश की दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर भी हुआ। देश की सारी पार्टियां परिवार और राजकुमारों की बंधक बनकर रह गई। सपा, राजद, नेशनल कांग्रेस, ओबीसी की AIMIM, शिवसेना, NCP सब। लेकिन इस सब के बीच में भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी जो वंशवाद से कोसों दूर है। भाजपा के सत्ता में आने से परिवारवाद का अंत हुआ है। वंशवाद के नाम पर सत्ता हथियाने वालों का भविष्य खतरे में आ गया। इसलिए देश के कुछ लोगों में मोदी के खिलाफ नफरत बढ़नी शुरू हुई। भ्रष्टाचार ना करने देना ही मोदी जी से नफरत का दूसरा कारण बना। मोदी जी ने सत्ता में आते ही कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और मोदी जी ने अपने इस वचन को पूरी तरह निभाया है। मोदी जी के सत्ता में आने से दशकों से जनता का पैसा खाने वाले घोटालेबाजों का धंधा बंद हो गया और इनके हाथ बन गए। 5 साल वाजपेयी जी के राज में कोई घोटाला नहीं हुआ और 6 साल मोदी जी ने भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाकर दिखा दिया। तो ऐसे में सरकार को अपना खजाना भरने का जरिया मानने वालों के मन में मोदी जी से नफरत बढ़नी ही थी। इसके अलावा विपक्ष के इन गद्दारों की विचारधारा ही ऐसी है जो देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। जैसा कि अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में खुलासा किया कि मुंबई हमले के बाद जवाबी हमला नहीं चाहते थे मनमोहन सिंह, क्योंकि कांग्रेस का हाथ हमेशा से दुश्मन देशों के साथ रहा है, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद इन दुश्मनों को उनकी औकात दिखाई गई, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हो या एयर स्ट्राइक के, तो बस नफरत और बढ़ती गई। भाजपा सरकार आने के बाद देश में वो बदलाव हुए जो कांग्रेस शासनकाल में संभव ही नहीं थे। देश की संस्कृति को और मजबूत किया गया है। देश की धरोहर विरासतों का नव निर्माण कराया गया। भारत माता के सच्चे वीर सपूतों को उनका सम्मान दिया गया। कांग्रेस ने तो देश चलाने के नाम पर बस घोटाले किए और अपने परिवार को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने इतिहास में सिर्फ मुगलों का बखान किया और राजनीति में सिर्फ गांधी परिवार का। इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप, राजा दाहिर और राजनीति में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र, राजेंद्र प्रसाद और सावरकर जैसे वीरों को कहीं गायब ही कर दिया। इन्हें इनका खोया हुआ सम्मान मोदी जी ने वापस दिलाया, तो ये विपक्षी मोदी जी से नफरत क्यों ना करे। वर्षों का बसाया काला धन और घोटालों से सींचा गया परिवारवाद की जड़ें जो काटती गई। अब रही बात लिबरलों की, तो देश का लिबरल गैंग मोदी जी को नापसंद क्यों करता है, तो उसकी भी एक बड़ी वजह है। कांग्रेस के राज में मीडिया संस्थान से लेकर मंत्रिमंडल तक इनकी चलती थी। आज कुछ तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया बुलाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक जमाने में वे खुद किसी की गोद में बैठकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। राजदीप सरदेसाई नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा शख्स है जो कांग्रेस के समय संसद में बैठकर पार्टी करता था। तो वही नीरा राडिया, जिसने देश को अरबों का सोना लगाया, एक समय था जब मंत्रिमंडल की गठन में भी नीरा राडिया का दखल होता था। इसी के साथ मोदी जी के आ जाने से इन दलाल पत्रकारों को मिलने वाले चंदे बंद हो गए, इन्हें मिलने वाली मुफ्त की सरकारी रोटी बंद हो गई और इनके ऐशो आराम पर ग्रहण लग गया। तो इन्हें मोदी जी से इतनी जलन क्यों ना हो। एक राष्ट्रवादी नेता जो अपनी पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा कर रहा है, तो इन विपक्षियों को आग लग रही है, क्योंकि अच्छी खासी चल रही इनकी दुकानें जो आज बंद हो गई हैं। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार देश की आबरू को इन लालची लुटेरों ने बेचा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। आज जब इस कमाई का जरिया बंद हो गया, तो ये लोग गिद्ध की तरह मिलकर एक आदमी पर झपटने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन गौर से सुन लो देश के गद्दारों, देश की जनता अब जाग चुकी है। तुम्हारी ये नफरत ही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है, क्योंकि जितनी तुम्हारी ये नफरत बढ़ती जाती है, मोदी जी के लिए जनता का प्यार भी बढ़ता जाता है।